कि ये मीटिंग जो थी वो न्यूटमा प्रकरण की नहीं थी, वो ऐसे अस्पतालों की एक सूची विशेषकर बना लेनी चाहिए और ऐसे लोगों पर आप भी कार्रवाई के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा एडमिनिस्ट्रेशन पावर तो इनके पास है नहीं। न्यूटिमा हॉस्पिटल और सरधना विधायक अतुल प्रधान जी के बीच का प्रकरण थमने का नाम भी नहीं ले रहा है और इसी के चलते आज आईएमए के साथ इनकी खास वार्ता हुई, जिसमें अतुल प्रधान जी के साथ इनकी 1.5 घंटे की मीटिंग हुई, लेकिन इस मीटिंग में न्यूटिमा के खिलाफ या उनसे संबंधित कोई भी बातचीत नहीं की गई है। हालांकि अतुल प्रधान जी ने कहा है कि उन्होंने हॉस्पिटल्स की जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर आईएमए से बात करी है। परिचय दीजिए डॉक्टर साहब। विधायक अतुल प्रधान, उनकी क्या वार्ता हुई है न्यूटिमा को लेकर के? एक प्रकरण चल रहा है, उसमें क्या रहा है, क्या क्या वार्ता हुई है डॉक्टरों की विधायक से? मैं डॉक्टर संदीप जैन हूँ, मैं अध्यक्ष आईएमए मेरठ ब्रांच हूँ और मेरे साथ डॉक्टर शिशिर जैन हैं जो कि अध्यक्ष हैं यूपी एचबीआई हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया के, ये संयुक्त सचिव हैं और मेरठ नर्सिंग होम एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं। ये न्यूज़ ब्लॉग थोड़ा नीचे करो। आज की जो मीटिंग थी वो इस बात के लिए थी कि हमारे विधायक जी ने इच्छा जाहिर की कि हम आईएमए से अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं, तो इस मीटिंग का सिर्फ और यही एक एजेंडा था, तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। इस मीटिंग में विधायक जी ने जो कुछ प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं उसके बारे में बताया गया कि नर्सिंग होम्स में ये प्रॉब्लम है, इस तरह की बातें हैं। डिस्क्राइब कर दीजिए उनको क्या बात हुई। नहीं, वो कोई मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि कोई भी पर्टेनिंग टू एनी हॉस्पिटल बात नहीं हुई है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मीटिंग जो थी वो न्यूटिमा प्रकरण की नहीं थी, एक जनरल सबमिशन वो देना चाह रहे थे और उसमें कुछ बातें जो सामने आई वो उसमें एक विशेषता जो ये बात आई कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे यहाँ पर हैं मेरठ में जो कि बहुत छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं जिनके पास मानक नहीं है, स्टाफ नहीं है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है उसकी वजह से, और बिल बहुत होते हैं, तो उनके बारे में बहुत शिकायत थी। तो ये हमने उनकी बात को सपोर्ट करते हुए कहा कि डेफिनेटली हम लोग भी ये चाहते हैं कि जो अनरजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स हैं जो कि मेंबर्स ऑफ हमारी नर्सिंग एसोसिएशन नहीं हैं और जो इस तरह के जहां डॉक्टर्स भी नहीं जाते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि इस तरह के हॉस्पिटल्स नहीं हों। परंतु हमने उनको एक बात कही कि जो परव्यू हमारे आईएमए के अंदर नहीं आता है उसको आईएमए एक्शन लेने की उसके अंदर हमारे को पावर नहीं है। हम भी अपनी बात सीएमओ के यहाँ काफी बार कहते हैं। अच्छा, जो न्यूट्रिशन जो थी वो न्यूटिमा प्रकरण में नहीं थी। विनायक जी अपनी बात कुछ कहना चाहते थे, ऐसी उन्होंने दूसरी बात कही कि कुछ लैब्स ऐसी हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स वहाँ जाते हैं और उनका रिपोर्ट्स नहीं है, ये भी है वो भी। हमने कहा ये प्रकरण भी हमने ऑलरेडी सीएमओ के यहाँ पहुँचाया हुआ है कि जो लैब्स है जिसमें कई डॉक्टर्स के, एक ही डॉक्टर कई जगह लैब में नाम निगम कर चुके हैं। तीसरा ये भी बात आई कि बहुत सारे डॉक्टर ऐसे बैठे हैं जिनका क्वालिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमने कहा ये प्रकरण भी हम ऑलरेडी सीएमओ के यहाँ बता चुके हैं। सीएमओ रजिस्ट्रेशन होता है, हर डॉक्टर का होता है, लेकिन ये इसीलिए बनाया गया था कि जो अनरजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं मेरठ में उसके अगेंस्ट कोई एक्टिविटी हो। डॉक्टर साहब, इतनी बड़ी संस्था है आईएमए, आप बार बार कह रहे हैं कि सीएमओ को तमाम चीजों से अवगत करा दिया, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। ये हम भी इस बात के लिए ऑलरेडी कई बार हम इस चीज के लिए वहाँ ऑफिस में जाके अपना वक्तव्य वहाँ दे चुके हैं, मिल चुके हैं, रिटर्न में दिया है, लेकिन यह तो इसका जवाब तो आपको सीएमओ ऑफिस पहले ही दे। आईएमए से सबसे ये रिक्वेस्ट की कि आपको ऐसे अस्पतालों की एक सूची विशेषकर बना लेनी चाहिए और ऐसे लोगों पर आप भी कार्रवाई के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा एडमिनिस्ट्रेशन पावर तो इनके पास है नहीं, तो हम भी सीएमओ से ही या सरकार के सामने या अधिकारियों के सामने इस बात को रखेंगे। तो इनसे हमने ये रिक्वेस्ट की, एक तो पहले नंबर, दूसरे नंबर जैसे लैब का जो खेल है उस लैब के खेल के बारे में ये भी सहमत है, उस चीज़ पर हम भी सहमत हैं कि अनाप शनाप तरीके से लैब खोली जा रही हैं जिससे लोगों को प्रभावित किया जा रहा है, उसकी कम या ज़्यादा करते हैं, उसके लिए भी हमारी इनसे वार्ता हुई। या तीसरा नंबर दवाइयों का है, हमने ये कहा कि मेडिकल स्टोर जो अस्पतालों के अंदर मेडिकल स्टोर हैं उसमें कई बार लोगों का मत ये है कि कंपलसरी ना किया जाए कि मेडिकल स्टोर वहीं से दवाई ले और कोशिश की जाए कि अगर कोई फिजिशियन डॉक्टर हैं या बाहर कहीं ओपीडी कर रहे हैं, कहीं क्लिनिक पे ओपीडी कर रहे हैं, तो वो दवाई क्या नाम साल्ट के रूप में अगर लिख दें तो और बेहतर, दवाई लिख दें तो और बेहतर, मालिया अगर कोर्ट का सिस्टम है तो वो भी पारदर्शी तरीके से क्या नाम लोगों को पता होना चाहिए जो मरीज है। ये 3-4 विषय मेन, ये मेन आप लोग अगर शब्द सामने की तरफ से गलत बोले जाते हैं तो उसके बदले में आदमी ह्यूमन नेचर है कि सामने से शब्द बोलता है। लेकिन आज आईएमए से जो वार्ता हुई है उस वार्ता के परिप्रेक्ष्य में मैं ये कह सकता हूँ कि आईएमए से हमने अपना पक्ष रखा है और अपना नहीं मतलब जनता का पक्ष रखा है कि जनता त्राही त्राही कर रही है,
महंगाई बहुत ज़्यादा है, ऐसे में जो एक तरीके से लूट शब्द मैंने कई बार इस्तेमाल किया, आज इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो जेब पर भार पड़ रहा है, बोझ पड़ रहा है, उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़नी चाहिए। कैमरामैन विवेक के साथ मैं पूर्णिमा जनवानी।